बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप के पिछला लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया होगा। एंड मैं लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बिकॉज जूम पर या सम ऑनलाइन सोर्सेज में समटाइम्स आप लोग अवेलेबल नहीं होते, या किसी के पास उस वक्त हो सकता है उसके घर बेचारे के लाइट गई हुई हो और इंटरनेट ना चल रहा हो, तो दैट मे काज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वेन एवर यू आर अवेलेबल एंड वेन एवर इट्स ओके टू यू, यू कैन लिसन इट। फर्दर ये है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, समटाइम्स आवाज़ नहीं जा रही होती, तो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम इसको, जो ये बुरा वक्त आ गया है, इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोग भी अपनी बेस्ट कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास में और तरह का इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पर आई मीन इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टीच दिस यू नो कंप्यूटर। आप लोग जब होते हैं तो और तरह का इन्वायरमेंट होता है। एनीवे, तो हमारा जो लेक्चर था 16th लेक्चर पिछला, जिसमें हमने देखा कि हम वी वर स्टडिंग दी फाइलोजनी एंड सिस्टमैटिक्स। तो हम बात कर रहे थे कि फाइलोजनी एक्चुअली क्या है। इट इज़ द रिलेशनशिप वी विश टू एस्टैब्लिश, अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल डेड एंड लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, इनके बीच में। और हम बात कर रहे थे कि इट्स नॉट ईजी। तो वन ऑफ द सोर्स टू एस्टैब्लिश दैट लिंक इज यूज द फॉसिल रैकेट। तो हमने देखा कि फॉसिल रैकेट हमें कहाँ से मिलता है और वो कितना अथेंटिक होता है, और हम जब उस ये क्लेम करते हैं कि दिस फॉसिल रैकेट इज अ मिलियन ईयर ओल्ड, तो ऑन व्हाट बेसिस एंड हाउ डू वी एनालाइज दैट, हाउ मच ओल्डर दैट फॉसिल रैकेट इज। ओके, तो इसके अलावा, फॉसिल रैकेट के अलावा, सोर्सेज के अलावा, कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स वी कैन नॉट बिल्ड द होल लाइफ फाइलोजेनेटिक ट्री। ओके, तो उसमें एक चीज़ जो है, जो मेजर इवेंट अर्थ के ऊपर हुआ है उसमें से, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो हमें ये समझना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है, उसने फाइलोजेनेटिक ट्री जो है लाइफ का, उसको कैसे इम्पेक्ट किया। आई मीन, हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस दैट। तो फाइलोजनी हैज़ अ बायोजियोग्राफिक बेसिस इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दैट इज़ द की वर्ड, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट दैट हाउ। ओके, पहले तो थोड़ा सा जस्ट टू रिमाइंड यू के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या, हमने पीछे पढ़ा कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, एट द स्टार्ट व्हेन द अर्थ वाज प्रोड्यूस्ड, उस वक्त इसकी जो सारी सरफेस थी, जो एक ही क्रस्ट, या मे बी हो सकता है कि दो हों, लेकिन लेटर दे वर ब्रोकन। इफ़ यू रिमेंबर कि जब ऑक्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ, तो उसके बाद अर्थ की जो सरफेस है, इट वाज ब्रोकन ड्यू टू द चेंजिंग बायो जियो केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। तो उससे क्या हुआ, जब वो ब्रेक डाउन हुए, क्लाइमेट बूम हुआ, तो उससे बहुत सारी जो चेंजेस आई, उसमें से एक चीज़ ये थी कि हमारे जो अर्थ की सरफेस थी, इट वॉज ब्रोकन इन टू सेवरल प्लेट्स, वी कॉल दोज टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट। तो अब वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सेस एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड ड्यू टू द अदर जियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन अर्थ, वो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, अब वो मूव कर रही हैं स्लोली। आई मीन, दे वर मूविंग राइट आफ्टर दे वर प्रोड्यूस्ड एंड दे आर स्टिल मूविंग, राइट। तो इसलिए जो ड्रिफ्ट है वो कंटिन्यू है, इट टेक्स मिलियन ईयर्स फॉर द ड्रिफ्ट टू हैपन। तो इस वक्त भी बहुत सारी प्लेट्स मूव कर रही हैं। जब हमने ये पीछे भी पढ़ा था, आपको बताया था कि अमेरिका में दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं। दे आर द फास्टेस्ट मूविंग प्लेट्स ऑन अर्थ एंड इन नेक्स्ट 100 or 200 ईयर्स दे आर गोइंग टू ब्रिंग टू डिफरेंट सिटीज, द सिटीज विच आर प्रेजेंटली लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे दैट मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इज गोइंग टू ब्रिंग दोज सिटीज फेसिंग ईच अदर इन नेक्स्ट few hundred ईयर्स, राइट। तो इस तरह से ये मूवमेंट हो रही है, और ज़ाहिर है इट इज़ हार्ड टू ऑब्जर्व, क्योंकि ये इट हैपन्स इन मिलीमीटर्स एवरी ईयर। ओके, तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने फाइलोजनी को, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो जो स्पीसिएशन चल रही थी, उस प्रोसेस को, यानी स्पीसिएशन का प्रोसेस ही है एक्चुअली जिसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन किस का क्या लगता है, कौन किस से पैदा हुआ, कैसे कैसे बात आगे चली, राइट। एक स्पीशीज से किस तरह से आगे नई स्पीशीज बनी, और आज तक की स्पीशीज और उन सब स्पीशीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंक है, लिनिएज क्या है, राइट। ये हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ड्रिफ्ट ने डेफिनेटली इस लिनिएज को, या इस इनहेरिटेंस जो प्रोसेस हो रहा था फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, इसको इन्फ्लुएंस किया होगा, राइट। हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस किया होगा। तो सबसे पहले के
जब सारे ये जो जब वो जो क्या उसे कहते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जब हुआ और जब ये टूटी थी सारी प्लेट्स, तो उस वक्त मूवमेंट हुई। और उसके बाद ये राइट साइड पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि अराउंड 245 मिलियन ईयर्स ये पेंगिया था, ठीक है। तो जब पेंगिया बना मीन सारी जो आपस में प्लेट्स एक जगह इकट्ठी हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स इसको लगे दोबारा से उनको सेपरेट होने में। तो इसमें डिफरेंट एराज जो हैं वो गुजरे हैं। मीसोजोइक एरा के दौरान कॉटिलेडोन ड्रिफ्ट चलता रहा है, और फिर सिनोजोइक एरा में चलता रहा, और ऑफ कोर्स अब तक चल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लो मूवमेंट्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है, देखें हमने जब स्पीसीएशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्पीसीएशन को जो चीज़ें आई मीन इन्फ्लुएंस करती हैं उसमें से एक फैक्टर, आई मीन बहुत सारे फैक्टर्स थे। हमने हर फैक्टर को कहा कि दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न ऑफ द स्पीसीएशन, ठीक है। देर आर मैनी रीजन। तो उनमें से एक रीज़न थी जिसको हमने कहा कि जब जियोग्राफिक आइसोलेशन होती है, तो अगर जिस तरह से जियोग्राफिक आइसोलेशन एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप से दूर ले जाती है, तो वो जाहिर है फिर वो क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर एक ग्रुप पॉपुलेशन का जो है वो मूव करके किसी दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ डिफरेंट तरह के फिर कंपटीशन शुरू हो जाते हैं, वो फूड के लिए हो सकते हैं, वो स्पेस के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे फिर प्रेशर बिल्ड होता है, कंपटीशन डेवलप होता है। तो उस कंपटीशन डेवलप होने से फिर नए नए करेक्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होती है। हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जो लाइन्स जो हैं या जो टाइगर्स हैं, चीता जो हैं, जब वो आई मीन व्हेन दे हंट तो दे टारगेट दी वीकेस्ट प्रे, जो अच्छे से दौड़ नहीं सकता, जो उनसे बच नहीं सकता। तो इससे क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म ओवर अ मिलियन ईयर उस फैमिली के जो प्रे है उसके वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होंगे हु कुड रन फास्टर, हु कुड सेव देयर लाइफ, ठीक है। तो वो बेटर, मतलब म्यूटेशन तो आ रही हैं उससे, हर तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन जो बेटर होंगे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जो मैनेज कर सकेंगे अपनी लाइफ को बचाना और फिर रिप्रोड्यूस करना, वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे। और दूसरे जो कमज़ोर होंगे किसी भी वजह से, उनको जो लाइन है वो खा जाएगा, राइट। तो जब दूसरी स्पीशी जो उसका प्रे है जब वो बेटर होता चला जाएगा, तो जो हंटर है, जो प्रेडेटर है, उसमें भी जो बेटर से बेटर से बेटर होगा वो ही सर्वाइव कर सकेगा, राइट। तो ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दैट्स हाउ इट वर्क्स, द नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो इस तरह से जब आई मीन जो कंपिटिशन्स हैं वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। बहरहाल जब पेंगिया बना होगा तो सी शोर चेंज हुए होंगे, हैबिटेट चेंज हुएंगे। आपको याद होगा हमने एडेप्टिव रेडिएशन की बात की थी। तो जब बड़े पैमाने पर ये प्लेट्स मूव करेंगी तो जाहिर है बहुत सारे सी जो हैं उनका लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स कैन मूव फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, जो नॉर्मली वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सी लेवल हाई है, ठीक है। तो जब प्लेट्स मूव करेंगे तो सी लेवल चेंज हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो अगर बहुत हाई हो जाएगा तो जो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स और फिश ओनली, जो अगर आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो सारा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो शेलो जो प्लेसेस होती हैं सी में, यानी जो ज़्यादा डीप नहीं होती, वहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ सनलाइट पहुँच रही होती है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो बेस लाइन है जो फूड चेन है उसकी, बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक। तो अब वो जो अगर सी लेवल बढ़ जाता है अगर किसी वजह से, तो वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगी तो वो मर जाएंगे, वो मरेंगे तो उन पर डिपेंड करने वाले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी और नई स्पीशीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो पहले वहाँ पर इतने डोमिनेंट नहीं थे लेकिन अब ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो वहाँ पे थे जो मर गए जिस वजह से, तो उनको डीकम्पोजर्स जो हैं उनके जो टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट। तो स्लोली फिर वो भी मर जाएंगे जब ये फूड सोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से दैट्स हाउ इट वर्क्स, आई मीन ऑल लाइफ इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो एनी वे, तो इससे तो समटाइम्स न्यू माउंटेन डेवलप हो सकती है। माउंटेन की हमने एग्जाम्पल देखी थी कि जो लिजर्ड्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में किस जब ये माउंटेन डेवलप हुई हैं तो उनके बीच में पॉपुलेशन किस तरह से न्यू स्पीशीज की तरफ चली गई। तो इस तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग क्लाइमेट, चेंजिंग हैबिटेट, फूड सोर्स, इसकी वजह से पेंगिया बनने की वजह से नई स्पीशीज हुई होंगी, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई होंगी। तो जाहिर है अब स्पीशीज बनी एक्सटिंक्ट हुई तो वो जो हमारा ट्री जो हम बिल्ड कर रहे हैं, वी आर पुटिंग स्पीशीज वन आफ्टर अनदर, तो उस पर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ होगा, ठीक है। ओके, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो हुआ उसके बाद, मतलब जाहिर चल रहा था पर मीज़ोज़ोइक एरा में शुरू हुआ और सीनोज़ोइक एरा में और अभी तक चल रहा है। तो इससे भी जियोग्राफिक आइसोलेशन हुई होगी स्पीशीज की, ठीक है। तो इसकी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग एविडेंस हैं। हमने आपको दिखाया था कि सी फ्लोर से हमारे पास एविडेंस है,
हमारे पास पेलियो मैग्नेटिज्म से एविडेंस है, हमारे पास फॉसिल रैकेट से एविडेंस है कि हमें कुछ फॉसिल रैकेट ऐसा मिलता है, फॉर एग्जांपल घाना और ब्राज़ील, घाना साउथ अफ्रीका में है, ब्राज़ील अमेरिकाज में है, तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये कभी इकट्ठे थे, इकट्ठे थे तो जिसकी वजह से इनके अंदर हमें एक जैसे रेप्टाइल्स का फॉसिल रैकेट मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन गैलापागोस और हवाइन जो फाना फ्लोरा है, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू ऑलरेडी नो द रीज़न। ऑस्ट्रेलिया हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ओवर 50 मिलियन ईयर्स एंड यू नो के एक स्पीशी इस्टेब्लिश होके उसके एक्सटिंक्ट हो जाने में अराउंड 5 मिलियन ईयर्स लगते हैं। सो देर हैव बीन 10 अराउंड 10 चांसेस के उसमें स्पीसीएशन मतलब इस्टेब्लिश होके एक्सटिंक्ट हो गई और नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई, राइट। अब देखें मोस्टली जो मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके उनके पास वो पाउच्ड मैमल्स हैं, मतलब उनके पास वो पाउच है जिनमें वो अपने बच्चे को उठा सकते हैं। अगर आप गौर करें एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में ये डेवलप हुए, एक्चुअली एक म्यूटेशंस हुई होंगी, उस म्यूटेशंस के नतीजे में डिफरेंट किस्म के मैमल्स बने होंगे और उनमें से वो मैमल्स जो अपने बच्चों को पाउच में प्रिजर्व कर सकते थे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैड हार्श इन्वायरमेंट फॉर द न्यूली बॉर्न बेबीज, राइट। तो जो उसमें से अपने बच्चों को पाउच में रख सके दे वुड हैव सर्वाइव्ड बेटर देन द अदर मैमल्स, तो इसलिए आज हमें ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली पाउच्ड मैमल मिलते हैं। दूसरे मैमल्स मस्ट हैव बीन यू नो एक्सटिंक्ट एंड दे वोंट बी हैव बीन एबल टू कम्पीट विद द अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसी तरह से गैलापागोस की हमने बात की कि दे आर न्यूली इमर्ज्ड, तो वहाँ पर पिछली मैं स्लाइड में बात कर रहा था कि अडैप्टिव रेडिएशन मीन्स ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव बीन मूव्ड फ्रॉम द मेनलैंड साउथ अमेरिका टू द गैलापागोस जस्ट लाइक द अडैप्टिव रेडिएशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग और फिर वहाँ पर वो आपने देखा कि एक जो आइलैंड है और दूसरा आइलैंड जो है उस पर डिफरेंट टॉर्टॉइस हैं और डिफरेंट किस्म की हैं और फिंचेस की एग्जाम्पल है बहुत सारी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आई मीन इससे न्यू स्पीशीज, तो पुरानी स्पीशीज गई उसकी जगह नई स्पीशीज आई, तो इस तरह से हमें हमारा जो ये इसने जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस किया, राइट। ओके, अब हम चूँकि एक फैक्टर हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से पेंगिया फॉर्मेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है। ओके, अब हमें कुछ दूसरे फैक्टर्स भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जिन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री को इन्फ्लुएंस किया। एक्चुअली जब हम डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आएगा, मोलेकुलर वेस्ट से भी डेटा आएगा, हम उसको आगे जाके देखेंगे। फॉसिल रैकेट एक सोर्स था, तो इस सोर्स की बुनियाद पर जब हम ट्री बनाएंगे तो वो ट्री इतना स्मूथ नहीं होगा, उस ट्री के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हुई किसी वजह से, नहीं किसी मेजर इवेंट जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या किसी दूसरे बड़े प्रॉब्लम की वजह से जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी बुनियाद पर वो ट्री ऐसा स्मूथ नहीं होगा जैसा हम समझ रहे हैं कि एक बिल्कुल स्मूथ ट्री होगा कि मतलब फ्रॉम द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म टुडे एक हम बिल्कुल कंप्लीट लिंक बना लेंगे, तो वो हम अभी इसीलिए अभी तक नहीं बना सके क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लॉट ऑफ डेटा आई मीन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल रैकेट और इन द फॉर्म ऑफ अदर मोलेकुलर सोर्सेज इज मिसिंग एंड व्हाई इज दैट मिसिंग, उसकी बहुत सारी रीजन क्योंकि वो सडनली हुए, ठीक है। एनीवे ये जो अभी हम स्लाइड देख रहे हैं इस पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई मैंने कि एक्सटिंक्शन इज इनएविटेबल। ओ माय गॉड, इस वक्त आप देखें कि जो COVID-19 पेंडेमिक आया है, खैर नई बात नहीं है, हमने बात क्लास में आपको बताई थी कि नए वायरसेस हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, पहले भी हुए, राइट। इससे पहले स्पेनिश फ्लू आया था और कभी मलेरिया आया और कभी सिर्फ इंसानों के या जानवरों के पेंडेमिक नहीं आते, प्लांट्स पर भी आते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है इसी चीज़ को समझने में कि किस तरह से एक स्पीशी अगर इन्फ्लुएंस होती है किसी पेंडेमिक से या किसी हैविक से, आसमानी आफत से, तो उसका फाइलोजेनेटिक ट्री पर क्या इम्पेक्ट होता है, उससे दूसरी जो कनेक्टेड स्पीशी होती हैं। 1920 में आई गेस, I'm not sure, but I think it was at the start of the 19th, I mean 20th century के start में Ireland में एक Phytophthora infestans एक fungus है, उस fungus actually उस साल क्या हुआ कि ज़्यादा बारिशें हुई, ज़रूरत से जैसे हमारे यहाँ भी इस साल ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से ये
जो टिड्डी दल आ गई, टिड्डी दल सॉरी हाँ टिड्डी दल आ गई हमारे इधर, और इस पूरे रीजन में आई है, इंडिया में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो इस तरह की मतलब उन्होंने वापस जाना था लेकिन वो गई नहीं क्योंकि यहाँ उसको पानी मिला और वो फ्लरिश कर गई उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसी तरह से आयरलैंड में हुआ कि ज़्यादा बारिशें हुई जिसकी वजह से वो जो फंगस थी ना वो ज़्यादा प्रोलिफरेट कर गई। दैट फंगस काज डिजीज इन पचेटो, एंड पचेटो वॉज द स्टेपल फूड ऑफ द आयरिश पीपल, इंटेलिजेंट आयरिश पीपल यू नो। अब आयरिश पीपल को जब फूड नहीं मिली तो वो बेचारे मर रहे, और वहाँ पर यानी वो हुआ क्या उसे कहते हैं, फेमिन आया, मतलब कहत पड़ा, और आई थिंक कोई लाखों आयरिश लोग थे वो मर गए। राइट, अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त हमें वी अंडरस्टैंड के वायरस वायरल जो पेंडेमिक है, इंसान पिछले 1-2-3 हज़ार साल से हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि वायरल पेंडेमिक या कोई भी जो वबा आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो हमें पता कि आइसोलेट हो जाते हैं, एक से दूसरी जगह मूव नहीं करते और ब्ला ब्ला, ये चीज़ें हम करते हैं। इमेजन 20,000 years ago जब कोई वबा आती होगी इस तरह की, ऑफकोर्स आती होगी। ठीक है, क्योंकि हम आप पिछले 200 साल की जो नॉन हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी हैवक्स आई हैं। राइट, मैंने आपको पोटैटो की जो एग्जांपल दी, इसके अलावा इंसानों की भी है, स्पेनिश फ्लू है, मलेरिया इसकी एग्जांपल है, एड्स आई थी, एबोला वायरस है, जीका वायरस है, बहुत सारे वायरसेस ऐसे इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो वो बाकी सूरत में आए। तो कोरोना जो है वो इसलिए ज़्यादा फैल गया बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ, देयर वाज द ग्लोबल आई मीन मोबिलिटी वी हैव टुडे वाज नेवर दिस काइंड ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी वाज हैपनिंग बिफोर, लाइक 10 years ago या 20 years ago इतनी ग्लोबल मोबिलिटी नहीं थी जितनी आज है, इसलिए वो पूरी दुनिया में फैला। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा था कि अगर 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले ऐसा कोई वायरस आता है तो इमेजिन कि कितने बड़े पैमाने पे डेथ्स होती होंगी, आई मीन चाहे वो जानवरों का वायरस हो चाहे इंसानों का हो। ठीक है, तो उससे पूरी की पूरी जो जैसे इंसान जो थे वो छोटे छोटे फैमिलीज छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते थे, जानवर भी आजकल ऐसे रहते हैं, तो बहुत सारे जो है वो सारे के सारे उसका शिकार हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मास एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन इज़ इनएविटेबल, हम इससे बच नहीं सकते, हमने मरना ही है, हमारी स्पीशी ने एक्सटिंक्ट होना ही है, बिकॉज इस वक्त हम अभी नए हैं, अभी ह्यूमन स्पीशी को इवॉल्व हुए हुए कोई लंबा अरसा नहीं हुआ है, वेरी शॉर्ट टाइम इन। हाँ, अगर कोई कोई बड़ा प्लेनेट हमारे प्लेनेट पे गिर जाता है तो प्लेनेट अर्थ पर एक बहुत बड़ी एक्सटिंक्शन होगी, लाइक अचानक से बहुत बहुत कुछ ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है सभी ख़त्म हो जाए, लेकिन जो जनरल सिलेक्शन का और म्यूटेशंस का और स्पीसीशन का प्रोसेस है उसके तहत भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं। तो हमने एक्सटिंक्ट होना ही होना है, वी आर नॉट हियर फॉर एवर, इवन द होल यूनिवर्स इज गोइंग टू एंड सून और लेटर। ओके, तो ये थोड़ा सा देखें हम जो पास्ट में एक्सटिंक्शन होती रही हैं, हम पहले उसका रेट देखना चाहते हैं कि एक्सटिंक्शन का रेट क्या है। तो ये डिफरेंट जो नीचे आप इस पिक्चर के देख रहे हैं डिफरेंट एराज हैं, पेलियोज़ोइक एरा है, मीसोज़ोइक एरा है, सीनोज़ोइक एरा है, तो इसमें ये डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किए हुए। तो जो ब्लू लाइन कर्व आप देख रहे हैं वो एक्सटिंक्शन रेट को शो करती है। ओके, आई मीन इफ़ इट्स पीक इज़ हायर इट मीन्स हायर एक्सटिंक्शन रेट, इफ़ इट्स पीक इज़ लो मीन्स लोअर एक्सटिंक्शन रेट। राइट, एक्सटिंक्शन समझते ना आप कि ख़त्म हो जाना स्पीशीज़ का बिल्कुल। ओके, तो जो रेड कर्व आप देख रहे हैं मैरून, इसमें बताया गया है कि नंबर ऑफ अलाइव फैमिलीज, टेक्सोनोमिक फैमिलीज अलाइव, मैंने आपको बताया था कि टेक्सोन या टेक्सोनोमिक ग्रुप से मुराद हमारी होती है किसी भी लेवल पर, हम मतलब एक स्पीशी हो सकती हैं, जीनस हो सकते हैं, या कोई भी लेवल हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो नंबर ऑफ टेक्सोनोमिक फैमिलीज कितनी अलाइव थी, तो यहाँ पर आप देखें कि जो कर्व है वो ऊपर को जा रही है, बेशक एक्सटिंक्शन होती रही है लेकिन कर्व ऊपर को जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट टेक्सोनोमिक फैमिलीज हैं वो बढ़ ही रही हैं। ठीक है, तो हमें देखें कि जो डिफरेंट एक्सटिंक्शन होती रही हैं जुरासिक पीरियड में, ट्रासिक पीरियड में, क्रेटेशियस पीरियड में, इसके अलावा एक परमियन एक्सटिंक्शन हुई थी, मास एक्सटिंक्शन, बड़ी बहुत बड़ी एक्सटिंक्शन थी वो। ठीक है, तो इसके बावजूद पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। राइट, ओके, तो ये जो फिगर है ये भी एक और तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से। तो इसमें जो आप ये जो बार सा देख रहे हैं, इसका बार की जो विड्थ है ना वो रिप्रेजेंट करती है लिविंग फैमिलीज को। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे एक्सटिंक्शन हुई और उसका नतीजा क्या निकला। तो पहली एक्सटिंक्शन जो हमें नोन है वो 445 मिलियन ईयर्स अगो हुई। इस एक्सटिंक्शन के नतीजे में
अराउंड 50% ऑफ एनिमल फैमिलीज इंक्लूडिंग द फर्स्ट एनिमल ऑफ अर्थ द ट्राइलोबाइट्स दे बिकेम एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट आई मीन मैनी स्पीशीज ऑफ दैम बिकेम एक्सटिंक्ट ठीक है. उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ी और 360 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे एक दूसरी एक्सटिंक्शन हुई और उस एक्सटिंक्शन में 30% एनिमल फैमिलीज फिर सफाई हस्ती से मिट गई और इंक्लूडिंग मैनी स्पीशीज ऑफ द फिश एंड द रिमेनिंग स्पीशीज ऑफ द ट्राइलोबाइट्स जो पीछे बच गई थी राइट. उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई और एक और एक्सटिंक्शन हुई परमियन एक्सटिंक्शन हम उसको कहते हैं. ये 250 मिलियन ईयर्स अगो हुई थी और अब तक की सबसे डेवस्टेटिंग हिलेरियस किस्म की जो मास एक्सटिंक्शन है वो ये है. हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ इट हैपेंड. तो इसमें तकरीबन 60% एनिमल फैमिलीज जिसमें बहुत सारे मैरीन स्पीशीज इंसेक्ट एम्फीबियंस और ट्राइलोबाइट्स की जो बची खुची थी वो ख़त्म हो गई. अब देखिए ट्राइलोबाइट्स वर द फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स दे इवॉल्व्ड आई मीन द फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स राइट. तो ये 540 मिलियन से लेकर 250 मिलियन ईयर्स तक अर्थ पे रहे ठीक है डिफरेंट स्पीशीज. तो इस दौरान जो है देखें कि इनकी कितनी डिफरेंट स्पीशीज आई होंगी और वो सारी एक्सटिंक्ट होती चली गई. तो अब हम सिर्फ जब ट्राइलोबाइट्स के बीच ही ट्री बनाने लगेंगे तो हमें मुश्किल होगी क्योंकि जब ये मास एक्सटिंक्शन हुई तो इनकी स्पीशीज ख़त्म हो गई. आई मीन मास एक्सटिंक्शन के जो फैक्टर्स थे वो नेचुरल सिलेक्शन या जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो नहीं था. मास एक्सटिंक्शन से हमारी मुराद है कि कोई ऐसी आफत आ जाए कोई जलजला आ जाए कोई आग लग जाए कोई सुनामी आ जाए कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम हो जाए जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरें तो उसकी वजह से फिर हमें वो ट्री बनाने में मुश्किल होगी राइट. तो हमारा ट्री स्मूथ नहीं होगा ओके. तो उसके बाद फिर ट्रायसिक 200 मिलियन ईयर्स एक्सटिंक्शन हुई. इसमें 35% एनिमल फैमिलीज और बहुत सारे रेप्टाइल्स जो थे वो दुनिया से ख़त्म हुए. रेप्टाइल्स आज भी हैं. तो अब देखें अब इस रेप्टाइल्स और उन रेप्टाइल्स के बीच में जब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी ईजी नहीं होगा. तो उसके बाद फिर एक लास्ट जो नॉन मास एक्सटिंक्शन है वो 65 मिलियन ईयर्स अगो हुई ठीक है. इस एक्सटिंक्शन में 50% एनिमल फैमिलीज और जो डायनासोर्स थे वो डायनासोर्स जो थे वो अर्थ के ऊपर अराउंड 250 ये जो परमियन पीरियड है ना 250-300 मिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे उस वक़्त डायनासोर्स अर्थ पर आए थे और 65 मिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे तक वो रहे हैं और उस वक़्त ये सारे ख़त्म हो गए. और उसके बाद अब फिर पॉपुलेशन बढ़ रही है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक फैमिलीज का नंबर बढ़ रहा है तो देख लेट्स सी कि कब मास एक्सटिंक्शन आती है ओके. तो परमियन जो मास एक्सटिंक्शन है जो 250 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी इसमें मोस्ट इंसेक्ट्स एम्फीबियंस और बहुत सारी मैमल लाइक स्पीशीज जो मैमल के इंसेस्टर्स बने बाद में वो इस दुनिया से ख़त्म हुई. और देखें नंबर देखें आपके 96% ऑफ द मैरीन स्पीशीज और 70% ऑफ द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई ठीक है. क्यों हुई थी परमियन मास एक्सटिंक्शन के फैक्टर्स क्या थे हाउ व्हाई डिड इट हैपन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके हमारे पास राइट. जाहिर है हम उस वक्त नहीं थे. आई मीन इफ वी वर इन अनदर फॉर्म नॉट एट दिस फॉर्म देन गूगल और या हमारे डिफरेंट सेटेलाइट्स उस वक्त नहीं थी तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ. लेकिन हमारे पास कुछ डेटा है जिसकी बुनियाद पर हमने कुछ प्रपोज किए हैं मॉडल्स जो हमें खैर वो डेटा डिनाइबल नहीं है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है वो हमें ऑथेंटिक होता है. ऐसी बात नहीं है कि हम उसको डिनाई कर दें ओके. तो एक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि देर आर डिफरेंट थ्योरीज. तो जो सबसे मोस्ट वैलिड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ था. मीटियोराइट और कॉमेट मीन्स समथिंग बिगर फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ. और जब वो एक बड़ा इम्पैक्ट होता है यहाँ पर अब हम क्यों कह सकते हैं कि ये होता क्योंकि हमारे पास मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ हमारे पास अर्थ के ऊपर ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जो अराउंड 250-245 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और वो किसी मीटियोराइट या किसी बड़े स्टोन के इम्पैक्ट से बनी हैं. तो वो हमें रिलेट करती हैं कि ये उस वक्त ऐसे हुआ था जब. दूसरी बात जो फॉसिल रैकेट है ना अगर हम फॉसिल रैकेट की भी इसमें एक कर्व शामिल कर लेते तो जब जिस जगह पर मास एक्सटिंक्शन हुई है फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ मास एक्सटिंक्शन 65 मिलियन ईयर्स अगो तो उस वक्त जाहिर है क्विकली से मरा ये नहीं है कि अचानक गिरा और मर गए. यानी उसको मरने में भी हज़ारों साल लगे होंगे. यानी ख़त्म होने में स्पीशीज को ख़त्म होने में भी सैकड़ों हज़ारों साल लगे होंगे. कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट. तो वो जो हमें उस दौरान का जो फॉसिल रैकेट मिलता है ना वो एक्सेसिव फॉसिल रैकेट है. वो बता रहा है कि उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि जब अचानक
बहुत ज़्यादा फैमिली जो थी टेक्सोनॉमिक फैमिलीज वो मरी। ठीक है, तो कैसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन कि इस वक्त कोई मीटोराइट अर्थ के ऊपर गिरता है और वो फ्यू हंड्रेड टन्स बड़ा है, मतलब अर्थ के मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है ना मीटोराइट गिरने का, वो सेवरल उसके मास से सेवरल हंड्रेड टाइम्स बिगर होता है। ठीक है, तो जब ये गिरता है जिस जगह पे गिरता है अर्थ के ऊपर, वहाँ पर ये जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। राइट, एक तो वो डायरेक्ट गिरेगा, उसके गिरने से बहुत हैवी, जैसे बॉम्ब गिरता है, बहुत हैवी मिकदार में धुआं मट्टी उड़ेगी और वो कई मतलब 10-20 साल हो सकता है वो मट्टी फिजा में रहे। ठीक है, और वो ज़मीन तक रोशनी ना आने दे, बारिश ना आने दे। ओके, दूसरी बात ये थे पॉइजनस गैसेस पैदा हो जाती हैं जो हवा से फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जाती हैं। तीसरी बात, जब इम्पैक्ट होता है, बड़ा इम्पैक्ट जो होता है, तो वोल्केनिक एरप्शंस को स्टार्ट कर सकता है उस जगह पे, क्योंकि वो क्रस्ट को तोड़ दिया ना उसने, या उसको वीक कर दिया, जिसके नतीजे में वोल्केनिक एरप्शंस हो सकती हैं। जब वोल्केनिक एरप्शंस होगी तो फिजा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, फिर जब बारिश होगी वो एसिड रेन होगी। ठीक है, तो 50 सालों में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो जगह होगी ना, वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, दैट्स हाउ द इम्पैक्ट वर्क। राइट, तो ये एक कंप्यूटर जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन इवेंट की हैं, जो 65 मिलियन ईयर्स को हुआ था। इसमें भी 50% एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी, स्पेशली बिगर एनिमल्स। जब ये हुआ तो अब देखें ना, अगर आप पिक्चर में देखें एक बहुत बड़ा मीटोराइट गिर रहा है, तब वो गिरेगा तो वो डेफिनेटली क्रस्ट को तोड़ेगा और वोल्केनिक एरप्शंस होगी और वो बेहिसाब चल पड़ेंगी। जब वोल्केनिक एरप्शंस बहेंगी, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तो हमारे रिवर्स और जो कैनाल्स होंगी, जब वाटर बॉडीज जो हैं बड़े, वो वेपोराइज हो जाएंगे। राइट, तो जब वो वेपोराइज हो जाएंगे तो आप जो पानी में रहने वाले एक्वाटिक लाइफ है वो तो उसी वक्त ही क्विकली डैमेज होगी, और जब वो पॉइजनस गैसेस होंगी और फैलेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता। तो जो जब भी ये होता है इस तरह का कोई इवेंट, तो जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े प्लांट्स, बड़े जानवर, वो पहले मरते हैं। राइट, तो जो आखिरी एक्सटिंक्शन जो हमारा ख्याल है अर्थ के ऊपर होगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसमें भी पहले बड़े ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, हम उनमें होंगे। ठीक है, और बड़े जानवर पहले मरेंगे, तो सबसे आखिर में, सबसे प्रोलॉन्ग मीन हमारे मरने के कई लाख साल बाद तक, बैक्टीरिया या दूसरे जो सारे बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्मॉलर इंसेक्ट्स हैं जो अंडर द सॉइल रहते हैं, वो हमारे मरने के कई लाख साल बाद तक अर्थ के ऊपर रहेंगे। आई मीन इफ द एक्सटिंक्शन हैपेंस। राइट, ओके, ये एक इम्पैक्ट का आप देख रहे हैं साइन, ये क्रेटर एरिजोना में है, आई मीन दिस इज इम्पैक्ट। तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं, इसकी ज़ाहिर है इसके ऊपर अगर वो आके गिरा होगा तो इसका हिस्सा बन गया होगा, तो हम उसके मटेरियल को स्टडी करते हैं, उसकी डेटिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना पुराना क्रेटर है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इम्पैक्ट हमें अर्थ के ऊपर मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि लास्ट टाइम ये बड़े इम्पैक्ट कब हुए थे। ठीक है, इसके अलावा ये एक चिक्सुल्ब क्रेटर है, युकटान कोस्ट ऑफ मेक्सिको में, इसको हम युकटान क्रेटर भी कहते हैं। तो दिस क्रेटर इज बरीड अंडर द वाटर, तो ये बाहर से नज़र नहीं आता, और अगर आप इसको देखें तो इट्स टू बिग। राइट, इस तरह का इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान पे हो तो ऑल कंट्री विल बी गॉन। ठीक है, तो अब हमें इसको समराइज करने की ज़रूरत है। हमने जो बात की, पहली बात हमने की थी पेंगिया फॉर्मेशन और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। तो जो ड्रिफ्ट होता है या जो पेंगिया फॉर्मेशन होती है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, बाउंड्रीज चेंज होती हैं, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक जो स्पीसीशन की हमने बात की थी, वो वाले फैक्टर्स अराइज होते हैं। मीन जियोग्राफिक आइसोलेशन होती है, या फिर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म, दे कम क्लोज टू ईच अदर, दे क्रिएट कंपटीशन विद ईच अदर, सो दैट्स हाउ सम स्पीशीज आर बिकेम डेड एंड अदर्स आर सिलेक्टेड ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। तीसरी बात जो हमने की कि मास एक्सटिंक्शन है, ये जो स्टैंडर्ड नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है जो चलता है, उसके तहत भी एक्सटिंक्शन होगी। स्टैंडर्ड जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है नेचुरल सिलेक्शन, इसके अकॉर्डिंग भी 5 मिलियन ईयर्स के बाद एक स्पीशी मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसकी जगह उसके डिसेंडेंट उसी से इवॉल्व हुई न्यू स्पीशीज उसकी जगह ले लेती हैं। ठीक है, जैसे हम में हुआ। तो तीसरी बात जो मैं जो मास एक्सटिंक्शन की बात है, मास एक्सटिंक्शन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि किसी भी बड़े हैवक की वजह से होती है, और उसकी वजह से भी जाहिर है फिर क्विकली, मींस नॉट इन मिलियन ईयर्स बट इन 10, 20, 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स में मास एक्सटिंक्शन होती है, तो उससे भी फिर होता है। तो इससे जाहिर है फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज़ की, उसमें बड़ा चेंज आता है। तो जो बड़ा चेंज आता है तो नई स्पीशीज़ बनती हैं, तो जब नई स्पीशीज़ बनती हैं तो इससे फिर क्या होता है भला, मुझे तो जाने। फाइलोजेनेटिक ट्री इन्फ्लुएंस होता है,
और बेचारा जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है वो इसमें फंस जाता है कि अब हाउ टू फिल दिस गैप इन द ट्री, आई मीन देर आर मिसिंग लिंक्स, जिसके लिए उसको डाटा नहीं मिलता है तो वो उसके वहाँ पे स्टक हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द बिल्डिंग दैट फाइलोजेनेटिक ट्री. सो डूइंग द फाइलोजनी ऑफ द लिविंग स्पीशीज इज़ वेरी ईजी. यू कैन एक्सट्रैक्ट देयर DNA, यू कैन स्टडी देयर जीनोम्स एंड बिल्ड द ट्री, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ फाइलोजेनेटिक ट्री between the, I mean, among the dead and the living. So that's what we do. We are trying to understand the how they do it. ठीक है, तो next lecture में हम देखेंगे कि खैर बल्कि हम इसी को इसमें include कर लेते हैं कि जो fossil record है, हमने बात की थी कि वो source है हमारा, तो fossil record के की वजह से जो मैं जैसे अभी हमने देखा कि mass extinction और उसकी वजह से जो tree है उसकी story incomplete रहती है. उसमें दो बड़े problem है fossil record में. एक तो fossil record lost हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो इवॉल्व हुए हैं, जिनको इवॉल्व हुए से 5000 ईयर्स हुए थे और मास एक्सटिंक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो 5000 ईयर्स में या 2000 ईयर्स में तो वो स्पीसी अपना नंबर इतना नहीं बढ़ा सकी होगी कि उसका फॉसिल रिकॉर्ड फॉसिलाइज हुआ हो, या वो स्पीसी उस एरिया में इवॉल्व हो रही थी जहाँ सीधा आके वो मेटेराइट इम्पैक्ट हुआ. ठीक है, अब वो इम्पैक्ट हुआ वो तो बेचारे मिट्टी में मिलके मिट्टी ही हो गए होंगे, मतलब उनकी कोई बोन्स, उनकी स्कल्स या उनका मटीरियल प्रिजर्व ही नहीं हुआ. ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड बहुत सारा तो लॉस्ट हो जाता है, हमें प्रिजर्व फॉर्म में मिलता ही नहीं है. अब दूसरी बात, अब बहुत सारा ऐसा है जो प्रिजर्व हुआ होगा लेकिन वो हमारे एक्सेस में नहीं होगा. फॉर एग्जांपल इस वक्त हो सकता है जहां मैं बैठा बात कर रहा हूं, इसमें 2 किलोमीटर नीचे जो है वो फॉसिलाइज्ड मटीरियल हो, इसके ऊपर कभी सी बहता हो और बाद में वो चेंज हो गया हो, तो अब हम उसको कैसे एक्सेस करें. आप कहेंगे जिस यूनिवर्सिटी को गिरा दें, आई वोंट रिकमेंड दैट. ठीक है, so it's not easy to access all the fossil records, so that's why we need other sources. Okay, we need to understand the story of life some other ways. Bahrhal fossil record ek important source hai, jis tarah tak hame milta hai hum usko analyze karte hain. Theek hai, to isliye hame phir iska kya solution hai hum ye aage jaake dekhenge, kyunki fossil record ki buniyad par tree of life nahi banaya ja sakta, to phir kaise banaya ja sakta hai, we'll see in the next lecture. Thank you very much, stay safe, take care of yourself.